बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन और सामीन, डॉक्टर अशरफ साहिबज़ादा आपकी ख़िदमत में सलाम अर्ज़ करता है। अभी अभी मैं एक मैसेज पढ़ रहा था। मैसेज ये इंडिया से लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, मेरा नाम मोहम्मद नासिर बेलिम है और मैं इंडिया के राजस्थान के जोधपुर ज़िला का रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने जोधपुर में लेयर का फॉर्म 2 साल पहले लगाया था। इस फ्लॉक में हमारा तकरीबन 10 लाख का नुकसान मुर्गियों के मर जाने और मिसमैनेजमेंट और मुर्गियों के कम प्रोडक्शन की वजह से हुआ। डॉक्टर साहब, मैंने आपके कई वीडियो देखे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। डॉक्टर साहब, मुझे आप लेयर के फीड बनाने के फार्मूला बताएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। चिक फीड फार्मूला, ग्रोअर फीड फार्मूला और लेयर फीड फार्मूला। और ये जनाब मोहम्मद नासिर साहब ने इंडिया जोधपुर ज़िला से ये इन्होंने तहरीर फरमाया है। तो सबसे पहले तो मेरे भाई नासिर साहब, आप का जो नुकसान हुआ मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप चूँकि मुसलमान हैं और मुसलमान का शेवा है कि वो कभी भी नाउमीद नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ताला वो आपको बेहतर मौका देंगे और आपको आप अब इंशाअल्लाह ताला खूब कमाएंगे। आप रابطہ रखें। आपने जो फरमाया कि लेयर के फीड का फार्मूला आपको चाहिए और तीनों का आपने बता दिया, चिक फीड और ग्रोअर फीड और लेयर फीड, तीनों का। तो चिक फीड में हम ये कहते हैं कि 1 से लेके 8 हफ्ते तक का जो होता है वो चिक फीड होता है। आप लिखें, इसमें लिखें मकई, लिखें 31 किलोग्राम लिख लें, 100 केजी का मैं दे रहा हूँ, और उसके बाद टोटा चावल लिख लें कोई 15.5 यानी 15.5 किलोग्राम, और राइस पॉलिश 10 किलोग्राम, कॉटन सीड मील ये 8 किलोग्राम। ये कॉटन सीड मील जो है ना, ये आप खल होती है उसकी स्किन, जब ऊपर से खाल उतर जाए तो ये समझें वो नीचे जो होता है ना वो कॉटन सीड मील होता है, तो वो 8 किलोग्राम। और मेज़ ग्लूटन 30% जो है वो 1 किलोग्राम, और मेज़ ग्लूटन 60% ये 8 किलोग्राम, और सोयाबीन मील ये आपके यहाँ बहुत दस्तियाब है 8 किलोग्राम, और मछली का चूरा ये भी मिल जाता है 7 किलोग्राम, चूना अनबुझा चूना ले लें वो 6 किलोग्राम, और डाई कैल्शियम फास्फेट 1 किलोग्राम, DCP पाउडर जिसको कहते हैं, और ऑयल कोई सा कुकिंग ऑयल ले लें 2 लीटर, और शीरा राब जो शुगर केन का ना शुगर मोलेसेस वो मिल जाएगा वो 2 लीटर ले लें, और मिनरल मिक्सचर मिल जाता है, मिनरल और विटामिन मिक्सचर दोनों का ना ये मिक्सचर मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। ये कोई 500 ग्राम ये मींस 0.5 किलोग्राम ये ले लें, ये पूरे 100 केजी का ये हो गया आपके चिक फार्मूला। अब रहा ग्रोअर फार्मूला, आपने पूछा
तो ग्रोर फीड फार्मूला ये है कि 9 से लेके हम 20 हफ्ते तक, वो इसको ग्रोअर फार्मूला कहते हैं। आप लिखें मकई 25 किलोग्राम, टोटा चावल 20 किलोग्राम, राइस पॉलिश 11 किलोग्राम, कॉटन सीड मील 8 किलोग्राम, मेज ग्लूटन 30% 1 किलोग्राम, और मेज ग्लूटन 60% जो है वो 7 किलोग्राम। बाकी वही है तक सारे, यानी सोयाबीन मील वो भी 8 किलोग्राम, मछली का चूरा 8 किलोग्राम। ये अलबत्ता थोड़ा बढ़ गया। और चूना जो है वो आप जहाँ पहले चिक्स को आपने 6 किलोग्राम, अब इसमें यहाँ पे 6.5 किलोग्राम कर दें। डाई कैल्शियम फास्फेट 1 किलोग्राम, ऑयल या तेल जो है कुकिंग ऑयल 2 लीटर, शीरा 2 लीटर, और मिनरल और मिक्सचर जो है विटामिन मिक्सचर ये ½ किलो, यानी ये पूरा 100 kg का हो गया। ये आपका ग्रोअर फीड फार्मूला। अब आपने कहा लेयर फीड, तो लेयर फीड फार्मूला जो है वो भी नोट फरमा लें। वो होता है 20 हफ्ते से 72 हफ्ते तक, 72 हफ्ते तक की वो जो होती है वो हम उसको कहते हैं ये लेयर फीड। तो लेयर फीड लिखें मकई 25 किलोग्राम, टोटा चावल 18 किलोग्राम, राइस पॉलिश 11 किलोग्राम, कॉटन सीड मील ये 9 किलोग्राम, और मेज ग्लूटन 30% ये 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, और मेज ग्लूटन 60% जो है ये आप 6 किलोग्राम लिख लें, और सोयाबीन मील 8 किलोग्राम, मछली का चूरा 7.5 किलोग्राम, और चूना 7 किलोग्राम, और डाई कैल्शियम फास्फेट 1 किलोग्राम, और तेल या ऑयल कुकिंग ऑयल 2 लीटर, और शीरा भी 2 लीटर, और मिनरल मिक्सचर और विटामिन का जो मिनरल मिक्सचर है वो आप ½ किलो दे दें। तो मेरी जान, ये जनाब फीड फार्मूला जो आपने पूछा वो हाजिर खिदमत है। अब आप इस पे इसको बना के और इनको इस्तेमाल करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। बहरहाल आपके जो जज्बात हैं और आपके कलमात, अच्छे कलमात, उनका मैं बेहद मशकूर हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कारोबार में भी बरकत दे, और आपकी आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, अपने भाइयों के लिए ख़ास दुआओं में शामिल रखें। और इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबज़ादा आपसे इजाज़त चाहता है, लेकिन इजाज़त से पहले एज़ यूजल हदीस मुबारक। हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने जौ की रोटी भी 2 दिन मतवातर पेट भर कर नहीं खाई, हत्ता कि आपकी वफात हो गई। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ, और मेरे हाथ में रियाज़ुस सालिहीन का ये नुस्खा है जो मुझे मक्का मुअज़्ज़मा में मेरे दोस्त चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब ने दिया था। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबज़ादा को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।